हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में गैस लॉज को स्टडी कर रहे थे, है ना, कि जो गैसेस होती हैं वो कुछ लॉज को फॉलो करते हैं। उनके प्रेशर वॉल्यूम में कुछ रिलेशनशिप होता है, वो टेम्परेचर और अमाउंट के साथ वेरी करती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ, विच इज अवर सेकेंड लॉ, एंड दिस लॉ गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, कि हम जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वेरी करती है। तो ये बात कौन बता रहा है? चार्ल्स, ये जो साइंटिस्ट था चार्ल्स, उसने इसको स्टडी किया। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्या कहता है ये लॉ देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज इंक्रीजेस बाय 1/273.15 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 degree Celsius फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर सिंपल सा क्या कहता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करवाते हैं, कितना, 1 degree इंक्रीज करवाते हैं, जब टेम्परेचर कितना था, 0 degree, हमारे पास हमने क्या कर लिया, अभी टेम्परेचर 0 degree Celsius लिया तो जो गैस होगी उसकी कोई ना कोई वॉल्यूम होगी। अब जब टेम्परेचर 0 degree था, अब मैं जब टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, अगर मैं टेम्परेचर को 1 degree इंक्रीज करूंगा तो जो उसकी वॉल्यूम होगी वो वॉल्यूम कितनी इंक्रीज हो जाएगी, इतनी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब इनिशियल वॉल्यूम का इतना पार्ट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से हम मान लेते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट जीरो डिग्री सेल्सियस इज वी नॉट, ठीक है, एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस था तब हमने वॉल्यूम मान ली भाई वी टी, तब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या कहता है रिलेशन, कि अगर टेम्परेचर 0 degree Celsius है और फिर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हर एक डिग्री के ऊपर जो वॉल्यूम होगी वो इतनी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वी टी इज इक्वल टू वी नॉट, भाई इतनी तो है प्लस कितने इंक्रीज होगी, इंक्रीज्ड बाय 1/273.15, ठीक है, ये कब होगी, जब टेम्परेचर 1 degree बढ़ाया, बट हमने एक्चुअल में कितना बढ़ाया है, टी डिग्री ऑफ इनिशियल वॉल्यूम या ऑफ वॉल्यूम एट 0 degree Celsius, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास रिलेशन। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्या कह रहा था कि जो वॉल्यूम होगी वो इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज का मतलब ऐड हो जाएगा, कितना ऐड होगा, कि अगर मैं 1 degree टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो 1/273.15 ऑफ इनिशियल वैल्यू या ऑफ वॉल्यूम एट 0 degree Celsius, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो इनिशियल वॉल्यूम का इतना पार्ट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया है, टी डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया है तो जो वॉल्यूम होगी वो भी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, T/273.15 हो जाएगी। तो अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसको Vt इज इक्वल टू वी नॉट 1+T/273.15, ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो ये चीज हमने ध्यान रखनी है, Vt इज इक्वल टू वी नॉट 1+T/273.15, मैंने सिंपल कॉमन निकाल लिया। अगर हम अब इसको ग्राफ प्लॉट करें इसके लिए, तो ग्राफिकल मेथड से क्या रिलेशन आएगा हमारे पास, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं इसके लिए तो देखो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ,
कि अगर मैं टेम्परेचर, मैंने यहां पर टेम्परेचर रखा 0 डिग्री सेल्सियस, तो वी टी किसकी इक्वल होगी वी नोट के। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हमने इस तरफ हमने क्या ले लिया, ऊपर तो ले लिया हमने वॉल्यूम, ठीक है, और इस तरफ हम क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर भी किस में ले रहे हैं, हम डिग्री सेल्सियस में, और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब के अंदर। तो अब देखो, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो जो वॉल्यूम थी वो 0 नहीं आएगी ना, अभी वैल्यू पुट कर दो, टी इज इक्वल टू 0, तो वी टी कितना आया, वी नोट आया। तो यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो यहां पर जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम 0 तो नहीं होगी ना, मतलब कहीं ना कहीं से ऊपर से ये लाइन यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये वॉल्यूम, ये वैल्यू कौन सी हो गई, ये वी नोट हो गई, मतलब जब, और ये ग्राफ किसके लिए हो गया, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम एट टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस। तो 0 के ऊपर वी टी इज इक्वल टू वी नोट, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो साइंटिस्ट था चार्ल्स, उसने क्या किया, इस इक्वेशन लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट किया, इसको एक्स्ट्रा प्लॉट किया ये चेक करने के लिए कि भाई किस टेम्परेचर के ऊपर जो वॉल्यूम है वो 0 हो जाएगी। तो उसने जब उसको एक्स्ट्रा प्लॉट किया और उसने क्या देखा कि जब वैल्यू -273.15 डिग्री सेल्सियस होगी, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, कि जब टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा तो उस टेम्परेचर के ऊपर जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ गैस होगी, वो किसको अप्रोच कर जाएगी, वो 0 को अप्रोच कर जाएगी। ठीक है, बाई एक्स्ट्रापोलेशन मेथड से उसने चेक किया, बाई एक्स्ट्रापोलेशन मेथड ही फाउंड दैट, उसने क्या पाया, ही फाउंड दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स जीरो एट -273.15 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जब टेम्परेचर इतना होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब सोच के देखो, वॉल्यूम 0 का मतलब क्या हुआ कि पॉसिबल है कि किसी की वॉल्यूम 0 हो जाए। हमने क्या पढ़ा हुआ कि मैटर क्या होते हैं, वो सारे सब्सटेंस जिनकी वॉल्यूम हो, वॉल्यूम 0 का मतलब गायब हो जाना ना, ना उसकी लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा। अभी मैं जब टेम्परेचर कम कर रहा हूं, ठीक है कि उसकी वॉल्यूम कम हो रही है, वो कंप्रेस होता जा रहा है, बट क्या ऐसा टेम्परेचर हो सकता है जिसके ऊपर कोई चीज गायब हो गई हो। भी वॉल्यूम सबकी होती ना, वॉल्यूम भूत की नहीं होती है, ना उसकी लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, है ना। तो ये जो गैस वो क्या भूत बन जाएगी क्या, मतलब कि वो गायब हो जाएगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या कहा कि ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर क्या होगा, दिस इज हाइपोथेटिकल टेम्परेचर और मिनिमम हाइपोथेटिकल, मतलब कि इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है। अगर इससे कम टेम्परेचर हुआ तो सोच के देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम नेगेटिव में चली जाएगी, जो कि मीनिंगलेस है, कोई मतलब ही नहीं है। नेगेटिव वॉल्यूम का क्या मतलब हो, आप सोच सकते हो कि वॉल्यूम 0 का मतलब ना उसकी लेंथ, ना उसकी ब्रेथ, ना उसकी हाइट। अब वॉल्यूम नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा कि उसकी लेंथ नेगेटिव में चलेगी, इसका क्या मतलब हुआ कि लेंथ उसकी नेगेटिव हो गई। तो कहता है कि ये तो मीनिंगलेस है, मतलब क्या हुआ कि -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज द मिनिमम हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। हाइपो का मतलब कि हम जो मान सकते हैं कि भाई आज तक ये अचीव हुआ नहीं है, क्योंकि इस टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जो इम्पोसिबल है। मिनिमम हाइपोथेटिकल टेम्परेचर बिकॉज एट दिस टेम्परेचर वॉल्यूम बिकम्स जीरो। वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और लोअर दिस टेम्परेचर अगर मैं इस टेम्परेचर को कम कर दूं, लोअर दिस टेम्परेचर, देन वॉल्यूम बिकम्स नेगेटिव विच इज मीनिंगलेस। इसका तो कोई मतलब ही नहीं होगा, है ना, मीनिंगलेस वैल्यू हो गई है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, ये होगा। अब एक साइंटिस्ट है ब्रिटेन के, लॉर्ड केल्विन, नाम के आगे भी लॉर्ड लगा हुआ है, ठीक है, लॉर्ड केल्विन। तो उसने क्या बताया कि भाई ये जो टेम्परेचर है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर।
एब्सोल्यूट जीरो मतलब कि जिस टेम्परेचर के ऊपर सब कुछ जीरो हो जाए, जिसके ऊपर कोई गैसेज होगी वो भी एग्जिस्ट ना करे। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब ये सोचते हुए कि भाई ये जो एक्स्ट्रा पोलेशन हमने एक्स्ट्रा पोलेट किया इस ग्राफ को, तो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया था Vt इज इक्वल टू वी नोट प्लस टी डिवाइड बाय 273.15, अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू कितनी पुट कर देता हूं -273.15 तो क्या हो जाएगा -1, 1 -1, 0 और Vt क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। मतलब कि कोई भी गैस हो, कोई भी गैस, उस गैस के लिए जो लोवेस्ट टेम्परेचर होगा या किसी के लिए भी यही लोवेस्ट टेम्परेचर होगा। एंड दिस लोवेस्ट टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर को हम किसके इक्वल मानते हैं, केल्विन के इक्वल, जीरो केल्विन। मैंने कहा ना कि जो साइंटिस्ट थे लॉर्ड केल्विन ब्रिटेन के, फिर उन्होंने क्या किया, एक टेम्परेचर का एक नया स्केल दिया, ये तो डिग्री सेल्सियस में हो गया, और वो स्केल किस में था, वो स्केल था केल्विन में, और जिसमें कोई भी वैल्यूज नेगेटिव नहीं होती है। केल्विन स्केल का कहते हैं -273, अगर मैं अप्रोक्सीमेट लेकर चलू डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू जीरो केल्विन। ओके नहीं है ये, ठीक है, ये क्या हो गया जीरो और ये क्या हो गया केल्विन। तो केल्विन स्केल में डिग्री का यूज नहीं किया जाता। अगर मैं क्या करूं, दोनों तरफ -273 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, और मैं इसमें 1 ऐड कर दूं तो 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273+1 केल्विन। तो इसका मतलब जो हमारा जो नया स्केल आया केल्विन स्केल, वो क्या कहता है कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273+T केल्विन। तो जितना भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा उसमें हम क्या कर देंगे, ऑलवेज 273 ऐड कर देंगे, वो हमारे पास आंसर किस में आ जाएगा, वो हमारे पास केल्विन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द मिनिमम लोवेस्ट टेम्परेचर, तो हम क्या बताएंगे, -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। और कोई इसका रीजन पूछे तो हम बता सकते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हमने ये फाइंड आउट किया कि इस टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाएगा कि सब कुछ जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम जीरो हो जाएगी, जो पॉसिबल ही नहीं है। और इसको एक बार हम मान भी लें तो अगर हमने टेम्परेचर को इससे भी कम कर दिया तो क्या हो जाएगी, वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगी, जिसका जो बिल्कुल मीनिंगलेस है, जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि इसका मतलब क्या होगा। क्या आप सोच सकते हो कि किसी की लेंथ नेगेटिव है, लेंथ जीरो का मतलब वो है ही नहीं, और लेंथ नेगेटिव का मतलब हुआ शायद सोच से परे हो गया वो। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। अब हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारे पास जो चार्ल्स लॉ था, जो चार्ल्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया, इसको हम क्या कर सकते हैं, दूसरी फॉर्म अल्टरनेटिव फॉर्म इसकी हम ले सकते हैं। तो हम बात करेंगे अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। अब मैं क्या कर देता हूं, यहाँ के भी मेरे पास वॉल्यूम थी, वॉल्यूम एट टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 प्लस टेम्परेचर 273। ठीक है, हम अभी अप्रोक्सीमेट क्या ले लेते हैं, 273 ले लेते हैं, 0.15 अभी छोड़ देते हैं। तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, तो Vt क्या आ जाएगा, वी नॉट एलसीएम ले लिया मैंने 273 प्लस टी डिवाइड बाई 273। ठीक है, तो अब मैं क्या मान लेता हूं, जो 273 था वो किसके इक्वल था, 0 डिग्री सेल्सियस के, है ना। तो हमने मान लिया यहां से कि जो 273 है वो हमने मान लिया टी टेम्परेचर, टी नॉट लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, और 273 प्लस टी को हमने मान लिया टी। ठीक है, ये हमने जस्ट अज्यूम कर लिया। अब मैं ये वैल्यूज क्या कर देता हूं, पुट कर देता हूं, वी गेट, हमने ये पुट किया और हमें क्या मिला, वी गेट वी टी इज इक्वल टू वी नॉट। ठीक है, और ये क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, टी टी डिवाइड बाई टी नॉट, और मैं यहां से क्या मिल जाएगा, वी टी डिवाइड बाई टी टी इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई टी नॉट। ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, वॉल्यूम एट टेम्परेचर टी डिवाइड बाई टेम्परेचर टी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, है ना। अभी जैसे मैंने टेम्परेचर को चेंज किया तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगी, मतलब वी बाई टी क्या रहेगा, हमेशा एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सॉरी कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला,
कि v by t from this equation we can say that volume by temperature is constant। ठीक है, अब इस कांस्टेंट को मैं सिंपल k2 मान लेता हूं, जिसे हमने लास्ट में k1 माना था, तो v is equal to k2 by t, that is volume is directly proportional to temperature, as the temperature increases volume also increases। ठीक है, तो अब इसका भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो सिंपल वॉल्यूम और टेम्परेचर के अंदर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में। तो सिंपल क्या आ जाएगा, v और t, यहां पर मैंने वॉल्यूम ले लिया, यहां पर मैंने टेम्परेचर ले लिया, और जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। और जो उसका स्लोप होगा, स्लोप क्या आ जाएगा, यहां से स्लोप इज इक्वल टू के टू। ठीक है, ये हो गया हमारे पास हमारा चार्ल्स लॉ, जो सिंपल सा चार्ल्स लॉ है। अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स की। तो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम, कि जो वॉल्यूम है उसके अंदर कितना इंक्रीज होगा व्हेन टेम्परेचर ऑफ 800 ml ऑफ एयर इंक्रीजेस फ्रॉम 27 degrees Celsius टू 47 degrees Celsius अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 1 bar। प्रेशर क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, अमाउंट के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, मतलब अमाउंट क्या कह रहा है, वो सेम रखने के लिए कह रहा है। अब हमारे पास जो रिलेशन आया था V1 by T1 is equal to V2 by T2 है ना, तो वो हमने कब लिया था, जब हमने टेम्परेचर को किस में अज्यूम किया था, कैल्विन स्केल में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने टेम्परेचर को किस में मान के चलना है, कैल्विन के अंदर लेना है, ये गलती मत करना। तो अब जो वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम कितनी हो गई 800 ml, टेम्परेचर T1 हो गया, ठीक है 27 degree Celsius, मतलब इसमें 273 ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 300 kelvin। इसी तरीके से मुझे V2 फाइंड आउट करनी है, और T2 कितना आ जाएगा 47 degree Celsius, मतलब 273 ऐड कर दूंगा 320 kelvin। अब यहां पर पुट कर दो, तो V1 की वैल्यू आ गई 800, T1 की वैल्यू 300 इज इक्वल टू V2, और T2 की वैल्यू आ गई 320 आ गई। तो यहां से V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सोल्व कर लेंगे इजीली, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट कितने पे चला जाएगा, ये 10.7, और जब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहां से लगभग ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इतना अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो मतलब इनिशियल वैल्यू क्या थी मेरे पास 800 ml, जब टेम्परेचर था 300 kelvin, फिर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज करके 320 kelvin कर दिया, तो जो हमारे पास न्यू वॉल्यूम हो गई 853। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हुआ, कितना वॉल्यूम चेंज हो गई, V2 - V1 अप्रोक्सीमेट 853 - 800, तो 53 ml, ये हमारे पास आंसर आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है। अब जो इसकी एप्लीकेशन है, इसका यूज कहां पर होता है, आपने देखा होगा हॉट एयर बैलून्स, जरूर देखे होंगे आपने, कम से कम मूवीज में तो देखे होंगे। तो हॉट एयर बैलून्स के अंदर क्या होता है कि उसके नीचे फ्लेम लगाई हुई होती है ना, तो वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होगा, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, और वॉल्यूम जितने इंक्रीज होगी डेंसिटी उतनी कम, मतलब कि वो एयर क्या हो जाएगी, जो उसके अंदर हवा थी उसकी डेंसिटी लगातार कम होती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा है कि जब उसकी डेंसिटी एयर से कम हो जाएगी और वो हवा में उड़ना स्टार्ट कर देगी। तो हॉट एयर बैलून्स भी किसके ऊपर काम करते हैं, चार्ल्स लॉ के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो ये होप्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी कहीं पर डाउट रहता है तो आप इसको पूछ सकते हो, इसमें से कुछ कोई भी क्वेश्चन हो। ओके, थैंक यू।